सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडफिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बेस करके और एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया। यहाँ पे जो बड़ा तीन ब्रांड है मार्केट में सप्लीमेंट्स का, उनका आइसोलेट जो वे प्रोटीन है उसके ऊपर सिर्फ कंपैरिजन वीडियो नहीं होगा, ये तीनों जो बड़ा ब्रांड है ये तीनों का पोल खोलेंगे, यहाँ पे धोती उतारेंगे, जो मार्केट में चल रहा है वो चीज़ को दिखाएंगे। बट उससे पहले एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो भी तीन ब्रांड का मैं यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ वो तीन ब्रांड से, कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ 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 कोई डिफेमेशन का केस मत ठोक देना, क्योंकि जितना भी जो नेगेटिव मैं यहाँ पे बात करूँगा आपका प्रोटीन को लेके, उसका मतलब है कि अगर वो चीज़ अगर आप लोग इम्प्रूव कर देते हो प्रोटीन में तो आपका प्रोटीन बेस्ट हो सकता है। आपका ब्रांड को छोटा दिखाना मेरा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लगता है एज ए यूज़र वही फीडबैक यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए जो व्यूअर्स है, जो कैमरे के उस पर है, जो देख रहे हैं ये वीडियो को, उन लोग के लिए मेरे तरफ से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के हेल्प के लिए मैं ये सारा रिस्क लेता हूँ, ये सारा वीडियो बनाता हूँ। उसके ऊपर मेरे ऊपर आता है डिफेमेशन का केस, उसको लेके अभी तक झेलना पड़ रहा है। तो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मोटिवेशन तब आएगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, कुछ पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है टेस्ट, उसके बाद है आपका प्राइस, फिर है आपका मिक्सिबिलिटी, फोर्थ है आपका रिजल्ट, और पांच नंबर पे यहाँ पे रहेगा कि ट्रस्ट, कितना हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, पांच नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट के बीच में कुछ पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि ट्रस्ट आपको वो ब्रांड को क्यों करना चाहिए, ठीक है? तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट ट्रस्ट जो पॉइंट है पांच नंबर, वो पॉइंट को ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा ब्रांड आपको चूज़ करना है, कौन सा प्रोटीन आपको लेना है, कौन सा प्रोटीन का बेनिफिट सबसे ज़्यादा आपको मिलना है, और कौन सा प्रोटीन ब्रांड के ऊपर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो तीन ब्रांड कौन सा है, एक है आपका मसल ब्लेज जिसका आईसो जीरो यहाँ पे है, जिसका कंपेरिजन करूँगा मैं, आफ्टर आईसो रीच जो आपका है आइसोलेट वे प्रोटीन, और उसके साथ और एक ब्रांड है जो है आपका न्यूट्रा बॉक्स रिप्ड आइसोलेट वे प्रोटीन। एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे है कि तीनों जो तीनों है तीनों ही मैंगो फ्लेवर में है, और मैंगो फ्लेवर मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा इजी होगा, तो इसलिए मैंने मैंगो फ्लेवर में तीनों ब्रांड को लिया। अभी बात है कि इसमें कुछ नहीं है, खाली हो गया, मैंने इसको कंज्यूम कर लिया, सारा जो बॉक्स है वो खाली है, बट सारा प्रोटीन को कंज्यूम करने के बाद एक के बाद एक, पहले किया था रिप्ड को, उसके बाद किया था आपका आइसो रीच जो अफ्तर का मैंगो फ्लेवर, लास्ट में अभी मैं फ़िलहाल मैं ख़त्म किया ये 1 kg का जो मैंगो फ्लेवर का आइसो ज़ीरो मसल ब्लेज का, ठीक है? इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिज़ल्ट में फ़र्क देखने के लिए मिला है। कौन किसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा बेटर है ये वीडियो में साफ हो जाएगा। गाइस, फास्ट जो पैरामीटर है वो है आपका टेस्ट। अगर मैं फास्ट जो वे प्रोटीन यूज़ किए थे वो था आपका न्यूट्राबॉक्स का रिप्ड। अगर मैं इसका टेस्ट का बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोलूँगा कि स्वीटनर आपको बहुत ज़्यादा कम लगेगा, ज़्यादा स्वीटनर इसमें नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसका टेस्ट जब इंटेक कर रहे हो तब आपको माइल्ड सा मैंगो का फ्लेवर आपको मिलेगा, बट आफ्टर टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा, वो सही रहेगा, ठीक है? मतलब उसको आप आराम से पी सकते हो, आफ्टर टेस्ट आपका ख़राब नहीं करेगा, ये एक बेनिफिट इसमें मुझे मिला है। अभी बात आता है नेक्स्ट जो प्रोटीन मैंने यूज़ किया था वो था अफ्तर का, ठीक है? अफ्तर का जो स्मेल जो है आपको मैंगो का खास उतना नहीं मिलेगा, मैंगो वाला जो फ्लेवर है, बट अगर आप इसको ओपन करते हो जैसे कि मैं इसको, तो इसमें से आपको मिल्क का हल्का सा स्मेल आएगा, बट मैंगो का उतना खास डीप आपका स्मेल नहीं आएगा, बट फ्लेवर जो है इसका आफ्टर जो टेस्ट है वो सेम है जैसे आप इसको इंटेक करते हो, ठीक है? उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये दोनों को आराम से आप पी सकते हो। अभी बात आता है कि मसल ब्लेज का आइसो ज़ीरो, ये आइसोलेट वे प्रोटीन है, इसमें जो मुझे चीज़ देखने के लिए मिला है कि इसका जो मैंगो का फ्लेवर है ये सबसे ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बट जैसे आप इसको पीते हो, इंटेक करते हो, उसके बाद लास्ट में जाके आपको जो टेस्ट है वो थोड़ा ट्विस्ट होगा, मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा जब आप पूरा ख़त्म कर दोगे, जब आप उसको अंदर में इंटेक कर रहे हो तब जाके थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं पी सकते, बट वो चेंज आपको फील होगा, ठीक है? बट इसके लिए आप लोग ये मत सोचिए कि इसके अंदर कुछ और है, 100% वे प्रोटीन आइसोलेट है। बट अगर आप लोग बोलते हो कि मार्किंग के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, तो आइसो ज़ीरो जो है इसमें एक नंबर में आता है, ठीक है? इसका फ्लेवर सबसे बेहतरीन है, मैंगो फ्लेवर, रिच मैंगो फ्लेवर में आपको मिलेगा।
ये दोनों का माइल्ड में मिलेगा, मसल जिसका आईसोजीरो का आपका थोड़ा रिच में मिलेगा, ठीक है। बात आते हैं प्राइस का, तो फर्स्ट जो प्रोटीन को मैंने यूज़ किया था वो था आपका रिप्ड न्यूट्राबॉक्स का, तो इसका लाइव जो प्राइस है वो हम लोग चेक करते हैं, ना कि मैंने जिस टाइम खरीदा था उसका प्राइस, ठीक है। तो लाइव जो प्राइस है न्यूट्राबॉक्स रिप्ड जो होए प्रोटीन है उसका, मैंगो फ्लेवर का अभी जो प्राइस चल रहा है वो एक बार आप लोग को मैं बोल देता हूँ। सो अमेजन पे अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, तो आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो वेबसाइट में जाते तो न्यूट्राबॉक्स रिप्ड हुए मैंगो फ्लेवर, अगर मैं देखूँ इसका मैंगो फ्लेवर का 2799 रुपीज़, ठीक है, 2799 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो है आपका अफ्तर आइसोरिच, इसका अगर मैं प्राइस का बात करूँ तो अफ्तर आइसोरिच का जो प्राइस अभी फ़िलहाल जा रहा है वो मैं आप लोगों को बोल दूँ, न्यूट्राबॉक्स का था 2799 रुपीज़ और अफ्तर का है, अफ्तर वे प्रोटीन आ गया, आइसोरिच आ गया आपका 3110, ठीक है, 3110 आइसोरिच जो फ्लेवर है यहाँ पे मैं मैंगो का सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी मैंगो अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो मलाई कुल्फी का जो फ्लेवर है उसका प्राइस है 3110, ठीक है, थोड़ा सा हाई है न्यूट्राबॉक्स का जो रिप्ड हुए है उससे, ठीक। थर्ड जो है वो है मसल ब्लेस का आइसो जीरो, जो रिसेंटली मैंने परचेस किया था, मैं एक ऑफलाइन शॉप से मैंने परचेस किया था, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑनलाइन में क्या प्राइस चल रहा है वो दिखा दूँ। एमबी का आइसो जीरो वे प्रोटीन, चलिए एमबी आइसो जीरो वे प्रोटीन जिसका प्राइस अभी है 3149, तो यहाँ पे ये दोनों का जो प्राइस है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट जस्ट 20-25 टका का इधर उधर है, बट एक ही प्राइस है 1 kg का। तो यहाँ पे जो साफ विनर है वो है आपका रिप्ड व्हे प्रोटीन, जो आपका चीपेस्ट सस्ता आइसोलेट व्हे प्रोटीन में आपको देखने के लिए मिल रहा है 2799 रुपीज़। और एक चीज़ बोल दूँ कि इसका ना एक न्यूट्राबॉक्स का मेरे पास एक लिंक है, वो कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं करता है, तो 5% डिस्काउंट उससे आप लोगों को मिल सकता है। अभी पता नहीं वो कैसे है, क्योंकि मैंने उसको खुद से एफिलिएट लिंक जो है वो मैंने क्रिएट किया था न्यूट्राबॉक्स का जो वेबसाइट में जाके बहुत पहले, तो उससे क्या होता है कि क्लिक करने से बहुत जन को मिल जाता है बहुत जन को नहीं मिलता है, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, 2799 रुपीज़ के ऊपर आपको 5% एडिशनल मिल सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मिल सकता है। अभी बात आता है मिक्सिबिलिटी तीनों का, अगर मैं पकड़ूँ मसल ब्लेस का, अफ्तर का और न्यूट्राबॉक्स का, तीनों का जो मिक्सिबिलिटी है एक ही है, कोई भी यहाँ पे मिक्सिबिलिटी का इशू नहीं होगा। आप 5-6 बार शेक करोगे, शेकर को ऐसे करके शेक हो जाएगा आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तीनों का तीनों ही सेम है, मतलब कोई लम्ब्स वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन ओरिजिनल है तो क्यों फालतू का वो लम्ब्स क्रिएट करेगा, फोम क्रिएट करेगा, वो सब कुछ नहीं होगा, आराम से आप उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तीनों का सेम रैंक है, कोई इसमें आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है, तीनों का सेम रैंक है। जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटीन परसेंटेज, कौन कितना प्रोटीन दे रहा है आपको पर सर्विंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पहले जो प्रोटीन को चूज़ किया था वो था आपका रिप्ड आइसोलेट व्हे प्रोटीन, यहाँ पे रिप्ड आइसोलेट जो व्हे प्रोटीन है पर 100 ग्राम में आपको 81.82 ग्राम्स का प्रोटीन दे रहा है। और एक चीज़ बोल दूँ कि जो ट्रस्टिफाइड जो साइट है, ब्लाइंड टेस्टिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका रिजल्ट सेम आया, आपका 100% ये पास किया है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी वाइज ये प्रोटीन बहुत ही बेहतरीन है, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो आइसोलेट के हिसाब से ये प्रोटीन को, ठीक है। वो है आपका अफ्तार जो मैंने चूज़ किया था, तो अफ्तार का पर सर्विंग जो है अगर मैं पकड़ूँ, सॉरी एक बार मैं बोल दूँ कि रिप्ड का जो ये 100 ग्राम का मैंने बोला, तो पार्ट 33 ग्राम्स में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अभी बात आता है अफ्तार का जो पर सर्विंग है वो है आपका 35 ग्राम्स का, ठीक है, जिनमें आपको प्रोटीन दिया जा रहा है 28.5 ग्राम्स, ठीक है, पर सर्विंग 28.5, तो यहाँ पे 2 ग्राम ज़्यादा सर्विंग है और यहाँ पे 2 ग्राम्स आपका कम सर्विंग है। बात आता है मसल ब्लेस का आइसो जीरो का, ये भी ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको ले सकते हो, बट इसका जो प्रोटीन परसेंटेज है पर सर्विंग वो है आपका 27 ग्राम, जिसका एक लेवल स्कूप आपका है 32.5 ग्राम्स, कंटेनर में आपको 31 सर्विंग्स मिल जाएगा,
पर 100 ग्राम में ये प्रोटीन डिलीवर कर रहे हैं 83%। सो प्रोटीन का हिसाब से मसल ब्लेस यहाँ पे रैंक करता है एक नंबर पे, ठीक है। ये दोनों जो ब्रांड है रिप्ट हुए अवतार हुए उनसे 2% के आसपास, 2 ग्राम के आसपास ज़्यादा प्रोटीन पार्ट 100 ग्राम में मसल ब्लेस दे रहा है और सर्विंग साइज भी थोड़ा कम है, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, वो है ट्रस्ट। कौन सा ब्रांड को ट्रस्ट करे, यहाँ पे मसल ब्लेस है ट्रस्ट करे, अवतार है ट्रस्ट करे, रिप्ट है ट्रस्ट करे, न्यूट्राबॉक्स जो है उसको ट्रस्ट करे, किसको ट्रस्ट करे। सारा जो प्रोटीन है मार्केट में बिक रहा है, बट ट्रस्ट किसको करे, आग बंद करके किसको ले सकते हैं भाई। एक चीज़ यहाँ पे बोलूँ, ट्रस्ट मतलब वो होता है जिसको आप कोई भी दिल में कोई भी दुविधा ना रख के आराम से उसको पी रहे हो और आपको पता है कि वो ओरिजिनल है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों जो है ओरिजिनल है, ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, और ब्लाइंड टेस्टिंग जो होता है ट्रस्टिफाइड में उसमें सर्टिफाइड है। और उसके साथ साथ जो भी चैनल में आप जाके देखोगे वहाँ पे आपका लैब टेस्ट में पास किया है। बट ये मेन चीज़ नहीं है जो लैब टेस्ट है, लैब टेस्ट में बहुत सारा कंपनी है जो चीट करते हैं फिर भी वो लोग पास कर जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को बोल दूँ कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कोई भी प्रोटीन अगर आप खरीद रहे हो, सपोज आपने आइसोरिच खरीदा, एटलीस्ट इसका 3 जार कंटिन्यू इसको कंज्यूम करें, फिर जाके आपको पता चलेगा कि रिकवरी सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक जार यूज़ करने के बाद ही 15-20 दिन में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोटीन ओरिजिनल है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। रिजल्ट तब पता चलेगा जब आप कंटिन्यू 3-4 महीना इसको यूज़ करोगे। तो कोई भी ब्रांड लो, मसल ब्लेस लो, न्यूट्राबॉक्स लो, ये लो, आपको कंटिन्यू थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा जो मोटो है, मेरा जो एथिक्स है वो है कि कोई भी ब्रांड को अगर मैं कंज्यूम करता हूँ पहले उसको मैं 1-2 महीना लगातार यूज़ करता हूँ, और वो यूज़ करते करते मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कौन सा ब्रांड अच्छा काम कर रहा है। तो ट्रस्ट मुझे तीनों ब्रांड के ऊपर है, तीनों ब्रांड यहाँ पे अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बात आता है कि पैसे का, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है आप अच्छा प्रोटीन लीजिए, इंटरनेशनल प्रोटीन लीजिए। अगर आपका बजट टाइट है तो आप इंडियन ब्रांड में रहिए, कोई भी ब्रांड ले सकते हो। सबसे सस्ता प्राइस है न्यूट्राबॉक्स का रिप्ट आइसोलेट, इसको ले सकते हो, उससे 300-400 रुपये ज़्यादा है ये दोनों का प्राइस, इनको भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। बट मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोटीन का परसेंटेज बताया, प्राइस बताया, टेस्ट बताया, मिक्सिबिलिटी बताया, क्वालिटी कैसा है वो बताया। बट एक चीज़ अगर कोई मुझे पूछता है कि आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा रिकवरी आपको प्रोवाइड किया, सबसे ज़्यादा तीनों ब्रांड ही मुझे रिकवरी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया, बट मसल ब्लेस ये जो ब्रांड है इसमें मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट फील हुआ है, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा मतलब माइल्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, बट बेटर फील हुआ है। बट तीनों ब्रांड अच्छा काम कर रहे हैं, तीनों ब्रांड अच्छा काम कर रहे हैं। बट जब मैंने कंपैरिजन किया लगातार 1-3 महीना यूज़ किया अलग अलग करके, फिर मसल ब्लेस का कहीं ना कहीं मुझे रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगा। हो सकता है कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है, ठीक है, हो सकता है। तो यही है, बाकी ऐसा वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगा। और ये कोई एंडोर्समेंट वाला मतलब वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।